हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर सेक्शन क्लासेस। आई एम टीचर मोहित पंत। हमने लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे और तीन सीरीज हो गई है। आज क्वेश्चन सीरीज की फोर्थ लेक्चर है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने 73 का क्वेश्चन कर लिया है, आज उससे आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है आपको स्क्रीन में 74th क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? फॉर द सर्किट शोन बिलो फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। ठीक है, ऑप्शन आपको नेक्स्ट उसमें दिख जाएंगे। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको पहले डायग्राम बना लेते हैं। इसको मैं डायग्राम बता दूंगा आपको, डायग्राम बहुत आसान है। यहां जोड़ा है, हमें निकालना है रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। वैल्यू गिवन है, इसकी वन है, वन टू टू वन वन। ठीक है, तो कितना आंसर है? देखो बहुत सारे सॉल्व है। देखो ये दोनों के सीरीज में कितना बन गया, टू, ये टू बन गया। फिर टू टू पैरेलल में कितना बन जाएगा, वन। फिर ये वन की संख्या बन जाएगा, वन प्लस वन कितना बन जाएगा, टू। फिर टू और टू पैरेलल में क्या बन जाएंगे, वन। इसका आंसर कितना आ गया, वन। तो ऑप्शन आपको दी जाएंगे। इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो गया, इसका आंसर हो गया वन। दोबारा लेते हैं, ये वन से वन था ना, ठीक हो गया, ये बी वन हो गया और ये पैरेलल मैच के संग कितना बन गया, वन। ये टू हुआ, टू और टू पैरेलल वन, फिर वन हो गया, कितना बन गया, टू। टू और टू पैरेलल कितना बन गया, वन। तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया वन। इसका आंसर हो गया बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 75th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई? इफ 750 माइक्रो एम्पीयर इज फ्लोइंग थ्रू 100 किलो एम्पीयर रेजिस्टेंस, व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप? सिंपली वी इनटू आई, वी इक्वल टू आई आर कर लो, कुछ नहीं है। आई इनटू आर, आई कितनी है, 750 माइक्रो एम्पीयर, माइक्रो 10^6 हो गया, एंड रेजिस्टेंस 11 किलो ओम। तो किलो तीन हो गया, तो तीन कट गया 750 इंटू 11, ये 30 कट गया यहाँ से 10^-3। एक जीरो और काट लेते हैं, तो 75 इंटू 11 इंटू 10^-2 हो गया है, 750 + 75 कितना हो जाएगा, 825। ये आ गया 825 इंटू 10^-2, कम कर लो तो 8.25 वोल्ट इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर कितना, इसका आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। फिर 76th क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अ प्राइमरी सेल हैज एन ईएमएफ ऑफ 1.5 वोल्ट, व्हेन द शॉर्ट सर्किट इट गिव्स करंट 3 एम्पीयर, व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस? तो एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स बनाते हैं, उसमें उसका इंटरनल आर हो गया, वोल्टेज सोर्स हो गया। ठीक है, वोल्टेज कितना है उसका भाई, देखो 1.5, आपने टर्मिनल को शॉर्ट मार दिया, इंटरनल आर निकालना है, तो करंट कितनी फ्लो कर रही है आपकी, 3 एम्पीयर। तो आई इक्वल टू इतना, वी अपॉन आर, आर एन, वी अपन आर एन, क्योंकि और कोई रेजिस्टेंस है नहीं, आर एन कितना हो जाएगा, वी अपॉन क्या, आई, वी कितना है 1.5 और कितना है 3, तो 1/2 मतलब कितना, 0.5 ओम इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 77, थेवेनिन थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाई टू द पैसिव सर्किट, एक्टिव सर्किट, नॉन लीनियर सर्किट, लीनियर सर्किट। इसका आंसर हो गया सी। अगर जिस सर्किट में नॉन लीनियर एलिमेंट्स होते हैं, जैसे डायोड हो गया, ठीक है ना, ठीक है, तो उस सर्किट में आप थेवेनिन थ्योरम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसका आंसर कितना, इसका आंसर हो गया 77 का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है 78 क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। 78 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वन साइन वेव हैज अ पीरियड ऑफ 2 मिली सेकेंड, अनदर हैज 5 मिली सेकेंड, अनदर हैज 10 मिली सेकेंड, विच साइन वेव चेंजिंग फास्टर? साइंस, कौन सी साइन वेव फास्टर चेंज कर रही है, मतलब किसकी फ्रीक्वेंसी हाई है। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड बेसिकली क्या होता है, एक वेव को अपने आप को रिपीट करने में कितना समय लग रहा है। तो एक का लग रहा है 2 मिली सेकेंड, अगली का लग रहा है कितना, लगभग 5 मिली सेकेंड, और नेक्स्ट का लग रहा है 10 मिली सेकेंड, ऐसा टाइम पीरियड।
फिर रिपीट हो रही है ऐसे ऐसे, ये रिपीट हो रही है ऐसे ऐसे ऐसे। अब आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कौन से फास्ट चेंज हो रही है, इसी बात है ये फास्ट चेंज हो रही है टू मिली सेकंड है ना, कि दो फास्ट चेंज हो रही है, ये हल्की और सबसे स्लो। और आप चाहो तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी निकालो, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है वन अपॉन टाइम पीरियड टू मिली सेकंड, टू मिली मिली ऊपर आ गया थाउजेंड आ गया, कितना आ गया 500 हर्ट्ज। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उतने बाद चेंज होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होती है एक सेकंड में कितनी साइकिल्स आ रही है, जितनी ज्यादा साइकिल्स आएंगी उतनी चेंज फास्टर होगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया बी ऑल ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट 79 क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ कॉइल इज इंक्रीज्ड इट्स इंडक्टेंस विल बी। मैंने आपको फॉर्मुला, आपने मैंने इंडक्टेंस जब पढ़ाया था वहां फॉर्मुला भी बताया था कि इंडक्टेंस का फॉर्मुला कितना होता है। 79 क्वेश्चन है, एल इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर ए बाय एल होता है, ठीक है। देखो इंडक्टर का एन स्क्वायर से डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, तो अगर टर्न्स बढ़ेंगे तो इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उसका आंसर कितना हो गया डी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 वाला, यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी हमें निकालनी है। देखो ऑप्शन में वेबर और 80 के टर्म में, 80 होता है एम्पीयर टर्न्स, वेबर की यूनिट होती है, वेबर यूनिट होती है फ्लक्स की, तो हमें फ्लक्स के टर्म में आंसर निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया, 80 है, तो बी इक्वल टू कितना होता है म्यू इंटू एच, म्यू कितना होता है बी बाय एच, और वेबर लाना है तो फ्लक्स में चेंज कर लो, फाई कितना होता है बी इंटू ए, फाई इक्वल टू होता है बी इंटू एफ, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू कितना होता है बी इंटू ए, तो बी कितना हो जाएगा फाई बाय ए, तो ये हो गया फाई बाय ए, ठीक है, और ये एच हो गया। अब इतने यूनिट वेबर मीटर स्क्वायर, 80 पर मीटर, मीटर कैंसिल हो गया, वेबर पर 80 मीटर, तो वेबर पर 80 मीटर एम्पीयर टर्न पर मीटर, तो व्हाट इज द आंसर, आंसर विल बी हाउ मच, आंसर हो जाएगा इसका सी वाला, तो इसका आंसर हो गया 80 का सी वाला। नेक्स्ट 81 वाला क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक बार ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज एन फ्लक्स ऑफ 10⁻⁴ वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स, इफ द म्यू इज इक्वल टू 2000 व्हाट विल द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एच निकालना है, एच का फॉर्मूला आपको बताया। अच्छा बेसिकली क्या होता है, बी इक्वल टू होता है म्यू इंटू एच, यहां पे आपको म्यू आर भी गिवन है, तो उसको हम लिखेंगे बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच, तो एच हो गया बी अपॉन म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ठीक है। बट हमें बी ना गिवन है, फ्लक्स गिवन है, तो आपको बताया मैंने बी कितना होता है फाइव बाय ए, लिखता हूँ फाइव बाय ए, बी गिवन फाइव बाय ए और म्यू नॉट इंटू म्यू आर ऐसे आ गया है। अब सॉल्व कर लेते हैं, सो पुट करते हैं, फाइव कितना दे रखा है 10⁻⁴, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको चेंज करना है मीटर में, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच 10⁻², तो सेंटीमीटर का स्क्वायर कर लोगे तो कितना 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो उसको लिखोगे आप 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर इंटू म्यू नॉट, म्यू नॉट कितना हो गया 4π × 10⁻⁷ होता है, 4π × 10⁻⁷ होती है म्यू की वैल्यू, और म्यू आर की वैल्यू कितनी है 2000 गिवन है आपको, 2000 गिवन है, ये कैंसिल हो गया यहाँ से इससे, तो ये मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या 1/8π, ये 10⁻⁷10⁻⁴ हो जाएगा, ऊपर हो गया 10⁴/8π, ठीक है 8π हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम, अच्छा 1000 ले लेता हूँ उसको मैं, फिर 10⁻⁴ में ही गिवन तो कोई नहीं, तो हो जाएगा 10⁻⁰ में लेते हैं, 1000 लिख लेते हैं इसको, इंटू 10 हो गया अपॉन 8π, ये कट गया इससे 1250 से, तो 1225 इंटू 8 1000 हो गया, तो ये हो गया 1250/π, तो 1250/π, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये अप्रोक्सीमेट 3 उसके आसपास का। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 वाला, अ करंट ऑफ 2 एम्पीयर पासेस थ्रू अ कॉइल ऑफ 350 टर्न्स वाउंड ऑन अ रिंग ऑफ मीन डायमीटर 12 सेंटीमीटर
द फ्लक्स डेंसिटी इज 1.4 वेब पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू पर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ आयरन। ठीक है, तो एक रिंग है उसमें कॉइल लपेटी गई है, ठीक है, इसका डायमीटर गिवन है आपको, कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका 6 सेंटीमीटर। आप इसको एक टोरॉइड मान सकते हो। तो जो इसका इंडक्टेंस होता है, सॉरी फ्लक्स डेंसिटी होती है, बी इक्वल टू होता है म्यू एन आई बाय टोटल लेंथ। तो जो इसका टोटल सर्कम लेंथ है, जो एरिया है, ये कितना हो जाएगा, उसका 2 पाई आर हो जाएगा, तो ये 2 पाई आर हो गया। ठीक है, अच्छा बी कितना गिवन है 1.4 सॉरी, म्यू होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर, इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट इंटू म्यू आर, म्यू आर हमें निकालना है। और तो म्यू नॉट कितना है 4 पाई 10 की पावर माइनस 7, म्यू आर निकालना है, टर्न दे रखे 350, करंट कितनी है 2, और 2 पाई आर कितना है 6 सेंटीमीटर, बट सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं, 10 की पावर माइनस 2, तो कट गया 2 भाई, ये कट गया इससे 3, इससे कट गया 2 पावर, यहाँ पे 5 आ गया, कितना बचा 1.4 इक्वल टू 700 इंटू 10 की पावर माइनस 5 म्यू आर अपॉन 3। तो म्यू आर कितना आ गया देखते हैं, म्यू आर इक्वल टू 1.4 इंटू 3, 2 पावर कम कर ले 10 की पावर 7 इंटू 10 की पावर माइनस 3 हो गया है, 0.6 10 की पावर माइनस 3 पर 3 हो जाएगा, कितना हो गया इसका आंसर 600। तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया आपका भाई ऑप्शन ए। नेक्स्ट 83 वाला क्वेश्चन है, इसमें वी ए निकालनी है, कैसे निकालेंगे देखते हैं। 83 क्वेश्चन है, डायग्राम बनाते हैं इसका। एक वोल्टेज सोर्स ये है आर वन, इसमें डैग लग के लगा दो, केसीएल अप्लाई कर दोगे नोट ए वाले पे। इस लेक्चर में हमने ऐसा क्वेश्चन किया भी था पिछले वाले उसमें सीरीज में, 1 1 1 12। अच्छा, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बैस हो जाएगा। यहाँ कैसे लगा लो, ये करंट बराबर ये करंट, तो करंट इतनी होगी 12, यहाँ वोल्टेज वी निकाल लो, 12 माइनस वी अपॉन 1, क्या बता रहा हूँ, 12 माइनस वी ए अपॉन 1 प्लस 6 माइनस वी ए अपॉन 1 इक्वल टू वी अपॉन 1। तो 12 प्लस 18 माइनस 2 वी ए इक्वल टू वी ए, यहाँ लिया 18 इक्वल टू 3 वी ए, तो वी इक्वल टू कितना हो गया 6 वोल्ट, आंसर इज 6 वोल्ट। तो उसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 84 है, व्हेन द करंट थ्रू द कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट रिवर्सेस, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एक्सपेंड होगा, कोलैप्स हो जाएगा, डायरेक्शन रिवर्स जाएगी, या डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड अनचेंज हो जाएगी। होता है क्या है, जो भी हमारा कॉइल होती है उसमें जो करंट की डायरेक्शन, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो डिपेंड करती है करंट की डायरेक्शन। अगर आपकी करंट गोल घूम रही है, हम उसमें लगा सकते हैं राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हैं, अगर करंट ऐसे से मूव करे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ना होगा, करंट उल्टी मूव करेगी तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है दैट डिपेंड्स ऑन द करंट। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 84 का आंसर हो जाएगा सी वाला। तो 84 जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है करंट पर डिपेंड होती है, इसका आंसर हो गया 84 का आंसर हो गया सी वाला। अब नेक्स्ट 85, अ नोड इन अ सर्किट डिफाइंड एज अ जंक्शन ऑफ टू और मोर एलिमेंट, क्लोज पाथ, ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड एलिमेंट्स, ओपन। मैंने आपको ये बताया था, जहां पे अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में मीट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया 85 का आंसर हो गया ए। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हेन अ सोर्स इज डिलीवर्ड मैक्सिमम पावर टू द लोड, ये मैक्सिमम पावर को ये हर क्वेश्चन, हर एग्जाम क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है आपका, तो कितना होता है, एफिशिएंसी बता रखा आपको मैंने, 50% इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 87 क्वेश्चन, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्टेज सोर्स इज 10 ओम एंड हैज अ 10 वोल्ट टर्मिनल्स, व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड। अरे कुछ नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है भाई इसका, इंटरनल दे रखा है आपको 10 ओम और ये दे रखा है आपको 10 वोल्ट, और बोला है लोड जो है उसको मैक्सिमम पावर भेजनी है। मैक्सिमम पावर भेजने के लिए जो और लोड की वैल्यू कितना होनी चाहिए, इंटरनल की वैल्यू चाहिए, मतलब ये भी 10 ओम चाहिए। और मैक्सिमम पावर फॉर्मूला मैंने आपको बताया भी था, जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर बता रही थी मैंने, वहां फॉर्मूला लिखा है मैक्सिमम पावर का कितना होता है, वी स्क्वायर अपॉन 4 आर एल, बस भी कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100,
फोर, आर एन कितना हो गया आपके पास 10, 10 एक काट दो, कितना आंसर आ गया इसका 2.5 वॉट। आंसर कितना हो गया इसका, आंसर हो गया सी वाला, ये था क्वेश्चन नंबर 87, ठीक है 87 का आंसर हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडी क्वेश्चन, अ रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस वन इस अक्रॉस अ 50 वोल्ट सप्लाई, करंट थ्रू द रेजिस्टेंस हमें निकालनी है, उसका कलर कोड गिवन है, अच्छा है रजिस्टर का कलर कोड गिवन है यहाँ पे, ठीक है तो ये हो गया 50 वोल्ट, ये रजिस्टर गिवन है, कोडिंग गिवन है, क्या गिवन है, क्या गिवन है, ऑरेंज ऑरेंज नहीं सॉरी रेड ऑरेंज ऑरेंज सिल्वर, ठीक है तो आई इक्वल टू जाएगा वी अपॉन आर, ठीक है तो कितना होगा देखते हैं, रेड बी 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 रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड फाइव है गोल्ड सिल्वर नेकलेस होता है, रेड का होता है 2, ऑरेंज का होता है 3, इसका भी 3, सिल्वर का 10% होता है, तो पहला वैल्यू बताते हैं 2 और 3, बाद वाला 10 पर में आता है, बाद वाला परसेंटेज 10 प्लस माइनस हो गया, तो ये हो गया 23,000 प्लस माइनस 10%, इसका 10% कितना होगा 2300 हो जाएगा, तो एक बार 2300 ऐड करोगे बार 2300 ये सब्ट्रैक्ट कर लो, तो एक बार ऐड करूंगा तो कितना आएगा, ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 0 0 3 5 2, सब्ट्रैक्ट करोगे 2300 में से तो कितना आएगा 23 में ऐड कर लेते हैं 0 0 3 7 0 2 20, तो 20,700 में से इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इन दोनों के बीच में लग सकती है, क्योंकि ये प्लस माइनस 2300 में बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ठीक है लेकिन अगर हमें कुछ गिवन है तो हम क्या लेंगे, हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू को ले लेते हैं, इतना मैक्सिमम हो सकता है, तो आर मैक्स कितना हो जाएगा हमारे पास 2500 25 25 300 हो जाएगा, तो 25 300 को हम डिवाइड कर लेंगे तो आई इक्वल टू कितना आ गया, आई लगभग हमारा जाएगा कितना, आई आ जाएगा 50 अपॉन 25 300, ठीक है तो उसको काट लेते हैं यहाँ से, ये से ये कट गया लगभग 0 कट गया, तो ये आ गया 5 अपॉन 25 300, ठीक है तो अप्रोक्सीमेट इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा लगभग 1.98 मिली एम्पेयर के आसपास आएगा, विच इज नॉर्मली इक्वल टू 2 मिली एम्पेयर, इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर हो गया डी वाला, ठीक है तो 88 का आंसर कितना हो गया डी। नेक्स्ट 89 क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द रेजिस्टेंस वेल्डिंग द हीट प्रोड्यूस बाय द जॉइंट इज इक्वल टू, जब वेल्डिंग होती है उसमें जो आपकी एनर्जी होती है वो हीट प्रोडक्शन होती है, मतलब इक्वल टू होती है आई स्क्वायर आर टी, तो हीट प्रोडक्शन किसकी आ गई, आई स्क्वायर आर के आती है, इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया ए वाला। नेक्स्ट क्या 90 वाला, व्हाट इज द पावर कंज्यूम बाय रजिस्टर फॉर 20 ओम अक्रॉस द 10 वोल्ट, कुछ नहीं है फॉर्म, पावर फॉर्मूला लगा लो, पावर फॉर्मूला ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 वाला, पावर निकालनी पावर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, वी कितना है भाई 100 का स्क्वायर कर लो, डबल 100 हो जाएगा, और आर कितना है, आर है हमारे पास 5 नहीं 20, तो कट गया 5, इसका आंसर आ गया 500 वॉट, इसका आंसर हो गया बी, तो 90 का आंसर कितना हो गया बी। अब है 91 वाला क्या है, करंट डिवाइडर रूल लगाना है हमें, देखो सिंपली देखो, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट का सम हमारा केसीएल होता है, ये मैंने आपको बताया भी था, अंदर वो कौन सी करंट आ रही है, देखो अंदर वो जो जा रही है, तो 2 जा रही है, ये हो गया ऐसा ग्राफ है इसका, ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया, ठीक है तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, मैं बस यही बता देता हूँ ऊपर ही आपको, 2 एम्पेयर ऊपर को, 1 एम्पेयर ऊपर को, 1.3 ऊपर को, यहाँ बता रहे हैं, ठीक है तो देखो यहाँ से 2 आ रही है 4 में से एक चली गई ऊपर, तो बची कितनी 3 में से 1.3 यहां से यहां यहां चले गई, तो यहां कितनी आएगी 1.7, इसका आंसर कितना हो गया 1.7, इसका आंसर हो गया बी वाला, ठीक है तो 91 क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 91 क्वेश्चन का आंसर हो गया बी, तो करंट 2 मिला के 4 में से चल गई एक ऊपर, यहां की बची 3 में से 1.3 चल गई, तो यहां कितनी 1.7 हो गई, ठीक है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट 92 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो इज हायर फॉर कॉपर लो फॉर एलॉय, लो फॉर कॉपर हाई फॉर एलॉय, हाई फॉर कॉपर एज वेल एज लो फॉर एलॉय, एक्चुअली इसका आंसर क्या होगा कि जो रेजिस्टिविटी होती है कॉपर के लिए लो होती है, एलॉय की भी कम होती है, बट एलॉय की जो होती है वो कॉपर से ज्यादा होती है, तो इसका आंसर बन जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लो एज, इसका आंसर हो जाएगा डी,
लो फॉर कॉपर एज वेल एज एलॉय, बिकॉज एलॉय भी क्या होता है, मेटल का ही पार्ट होता है, उसकी डेंसिटी भी क्या होती है, कम होती है। अगर इसका ऑप्शन होता कि एलॉय की जो है वो, अगर अगर बोलता कि किसकी ज्यादा है, तो आप बोलोगे एलॉय की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कॉपर। बट अगर बोलता है दोनों ही कम होती, तो दोनों ही कम होते, बिकॉज वो एलॉय भी क्या होता है, मेटल का ही तरह होता है, ठीक है। बट एलॉय की भी कम का मतलब इतना नहीं कि बहुत ज्यादा होती है, ठीक ठाक होती है, लेकिन कॉपर की तो बहुत लो होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कंडक्टर पोजिशन शोन मार्क्ड इन फिगर वन। 93 बार का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है कि दिस, तो इसमें एरो मार्क कर रखा है, ये एरो क्या दिखाती है, प्लस से एरो ऊपर को कर रहा है और माइनस अंदर को आ रहा है, तो ये बेसिकली क्या दिखा रहा है, करंट दिखाती है। आपका जो सर्किट में एरो की डायरेक्शन क्या दिखाती है, करंट दिखाती है। तो पहला ऑप्शन दिखा रहा है कि डिफाइनेट पोटेंशियल अर्थ क्वेश्चन, ये बेकार ऑप्शन है। अगला बोल रहा है डेफिनेट वोल्टेज, ये भी बेकार है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर और पीए जो प्रोटॉन फ्लोस टू द कंडक्टर। देखो प्रोटॉन्स आप बोलोगे सब की पॉजिटिव चार्ज होते हैं, लेकिन जो प्रोटॉन्स होते हैं वो कंडक्टर मेटल्स के अंदर फ्लो नहीं करते। मेटल्स से सिर्फ कौन फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। मेटल्स में जो करंट होती है कंडक्टर में, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। तो ऑप्शन डी भी गलत है। तो इसका आंसर कितना हो गया, करंट करंट डायरेक्शन है, एरो ऊपर से प्लस से निकला, मैथ के अंदर एंटर कर रहा है। तो इसका आंसर कितना हो गया, सी। 93 का आंसर कितना हो गया, सी हो गया। अच्छा अगला वाला क्वेश्चन है 94 वाला। इन द सर्किट शोन बिलो, हाउ विल वोल्टेज V1 एंड V2 चेंज व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। अच्छा इस क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। क्वेश्चन सही है, ये SSC JEE का ही क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आता है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा इसको देखना है हमें कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। इन द सर्किट शोन बिलो, क्वेश्चन नंबर 94 है ना ये क्वेश्चन, ने क्या बोला, इन द सर्किट शोन बिलो हाउ विल द वोल्टेज V1 V2 चेंज, V1 और V2 कैसे चेंज होंगे, जो आपका स्विच क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। तो बनाते हैं इसको, पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ठीक है, और यहां वोल्टेज कितनी है, V, ठीक है। अच्छा मैं दो डायग्राम बना रहा हूं, जब जब स्विच नहीं लगा है और जब स्विच लगा है, ये R1 और ये R2, और ये हो गया हमारा, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया R2, ये दूसरा डायग्राम हो गया, ये V हो गया, ठीक है, ये R1, ये R2 और यहाँ R3 लग गया है। यहाँ जब स्विच ओपन है और यहाँ जब स्विच क्लोज्ड हो गया है, वोल्टेज V1 है, यहाँ वोल्टेज V2 है, यहाँ वोल्टेज V1 है, यहाँ वोल्टेज V2 है, ठीक है। अब देखो होगा क्या, यहां रेजिस्टेंस R1 है, ठीक है, जब आप इसके पैरेलल में R3 लगा दोगे तो इस रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्यों, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उनकी वैल्यू क्या जाती है, घट जाती है। अगर वैल्यू घटेगी तो जो सीरीज में जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज आती है वो उसके रेजिस्टेंस पे डिपेंड होती है, बिकॉज करंट तो सेम रहती है। तो जिसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा वहां वोल्टेज उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। जहां रेजिस्टेंस कम हो जाएगा वहां वोल्टेज क्या हो जाएगी, कम है। तो यहां रेजिस्टेंस R1 था, बट यहां रेजिस्टेंस क्या हो गया आपका, घट गया। तो रेजिस्टेंस घटा है तो यहां पे वोल्टेज क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहां से वोल्टेज घट जाएगी, और अगर जो घटी वोल्टेज है वो यहां मिल जाएगी तो यहां वोल्टेज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। रेजिस्टेंस पैरेलल में अगर जुड़ते हैं तो वैल्यू घट जाती है, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू घट जाएगी सीरीज में तो उससे क्रॉस वोल्टेज भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो दैट मींस इसके क्रॉस जो वोल्टेज है V1, V1 की वैल्यू क्या हो जानी है, घट जानी है, और V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसको आप ऐसा समझ सकते हो, मान लो यह है 2 ओम और यह 3 ओम, तो 2 ओम के पैरेलल मैंने 2 ओम वाला लगा दिया, तो मिलकर कितना हो गया, अभी 1 ओम हो गया। तो 1 ओम के क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिकॉज पहले यहां 2 ओम था। तो वोल्टेज सीरीज में जो वोल्टेज होती है वो आगे प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो जिसका ज्यादा होगा उसके पास वोल्टेज क्या होगी, ज्यादा आएगी। अगर R घट गया तो वोल्टेज क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इसका आंसर कितना हो गया भाई, इसका आंसर होगा V1 डिक्रीजेस, V2 इंक्रीजेस, ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है 95 वाला। इलेक्ट्रॉन फ्लोस टू द मेटेलिक कंडक्टर शोन इन फिगर। हमें देख रहे हैं कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, 2/3 velocity of light, approximately equal to velocity of sound, none of the above. Basically कहते हैं कंडक्टर में जो आपका जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो अप्रोक्सीमेट होती है 10 की पावर -6 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है, जो कि बहुत स्मॉल होती है। 10
10 की पावर माइनस 6 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। और वही साउंड की स्पीड होती है लगभग 300 मीटर पर सेकेंड, और वे कैसे 330 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हो कहीं से कहीं तक ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। तो 95 जो क्वेश्चन है, नन ऑफ द अबव, कोई भी इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है। कहीं पूछता एग्जाम में कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कितनी होती है, इट इज अप्रोक्सीमेटली टू 10^-6 मीटर पर सेकेंड। और आप इसको बोल सकते हो माइक्रोमीटर पर सेकेंड, और वेकेंस है इसको सकते हो, इसलिए 10^-1 होता है, 1 माइक्रोमीटर पर सेकेंड। कोई ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो ओके, देन आज के लिए हमने क्वेश्चन लगभग 20 से लेकर 25 के बीच क्वेश्चन आज हमने सॉल्व करे बेसिक इलेक्ट्रिकल्स के, ठीक है। जो हमने ये टेलीग्राम ग्रुप एक वगैरह रखा है, फॉर्म कर रखा है, उसमें जितने भी जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं, मतलब जो प्रीवियस जो क्वेश्चन सीरीज हुई है उसके PDF हमने डाल दिए हैं, ठीक है ना। और इवन आज के भी PDF हमने उसमें डाल दिए, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन हमने नीचे उसमें जो उसका लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। उसके साथ साथ आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं कि जो भी, अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप उसमें जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आप कमेंट सेक्शन, मतलब उसमें जा ग्रुप के अंदर जाके आप क्वेश्चन को वहां पे पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ वहां पे सकते हैं, ठीक है। तो ओके, देन आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।